ये धुआं धुआं से दिख रहा है, भाप सा दिख रहा है। इसके नीचे गर्म पानी का कुंड है, तप्त कुंड है। उत्तरकाशी फेमस है भगवान विश्वनाथ के मंदिर के लिए। तो मैं लीड करता हुआ बाइकर्स की आर्मी को उसको ऊपर उठाया गया है। उसके बाद रात को केदारनाथ में सेम डे में आपदा आई है वगैरह। वो पूरा केदारनाथ का ट्रैक 2 घंटे में चढ़ता है, ऐसा ना हो रात में बर्फ पड़ जाए ऊपर। यहाँ पे संगम होता है अलकनंदा भागीरथी का। कहते हैं इनमें से एक सास है एक बहू है। इस मार्केट में मुझे दुकानें कम दिखाई दे रही है और ये होटल लॉज। तो इसी रीजन से लोग घर पे धारी देवी की मूर्ति नहीं रखते हैं, उन्हें मना किया जाता है। हेलो गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिंगल टिकट, एक ही टिकट है दुनिया घूम लो। तो सच में हम दुनिया घूमने जा रहे हैं, मतलब मेरे बाबा केदार के दर्शन करने जा रहे हैं। तो अभी मैं हूँ नोएडा में और अभी 3:30 बज रही है मॉर्निंग की। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से पहले ऋषिकेश के लिए। इसके इसका एस्टिमेटेड टाइम हमारा 7 बजे के आसपास हम ऋषिकेश पहुँच जाएंगे, 7:30 में। वहाँ से 1-2 घंटे रेस्ट करके संजू भाई के घर पे, वो उसके बाद फिर निकलेंगे हम सीधा केदारनाथ के लिए। आज हम ट्रैक नहीं करने वाले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो आज हम स्टे करने वाले हैं जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वहाँ तक। अभी संजू भाई और मैं जा रहे हैं एक ही बाइक से ऋषिकेश तक। उसके बाद संजू भाई की बाइक पिक करके वहाँ से दोनों सिंगल सिंगल चलेंगे। तो अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट, मैं सोया नहीं हूँ, मैं सिर्फ 1 घंटे सोया हूँ, तो मेरी आंखें काफ़ी स्लीपी स्लीपी सी लग रही है। बट कोई नहीं, अंदर पूरा जोश है ना, बाबा केदार का आशीर्वाद है। तो चलिए फिर बाबा का नाम लेते हैं मम भोले और जर्नी स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है 9:48। अभी हम निकल रहे हैं ऋषिकेश से केदारनाथ की तरफ। अभी मैं हूँ संजू भाई के घर पे, ब्रेकफास्ट हो चुका है डन। उसके बाद सीधा निकल रहे हैं। हम यहाँ पे पहुँच गए थे लगभग 7:15 तक, थोड़ा हमने रेस्ट किया 1-2 घंटे, क्योंकि मेरा बहुत ही गंदा वाला हेड पेन हो रहा था और आई थिंक फीवर था मेरे को। तो अभी मैंने मेडिसिन ले लिया, थोड़ा कंट्रोल में है, होपफुली रात में ना आए फीवर वापस, क्योंकि मेरे को कल रात से फीवर चल रहा है। मैं कल रात से फिर भी ट्रैवल किए जा रहा हूँ, लेट्स सी, देखते हैं। और एक प्रॉब्लम और हो गई है, मैं अपने GoPro का माइक नहीं लेके आया हूँ, तो इस पर सिर्फ GoPro है। तो आई डोंट नो, अगर ऋषिकेश मार्केट में ढूंढते हैं, अगर माइक मिल जाता है तो बेटर है, नहीं मिलता फिर तब श्रीनगर में देखते हैं, श्रीनगर में ट्राई करेंगे। लेट्स होप कि मिल जाए यहीं पे माइक, वरना फिर ब्लॉगिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। तो मैंने बैग बांध लिया है पूरा, मेरी गुलाब वो भी तैयार है, भाई की मेटियोर भी तैयार है। तो भाई रेड रेड मैच करते हुए मेटियोर पे, मैं वाइट एंड ब्लैक मैचिंग मैचिंग। तो चलिए फिर राइड स्टार्ट करते हैं आगे ब्लॉग GoPro से। फिर ना राइडिंग सीट पर बैठ कर जिंदगी में सारी गलतियाँ कर लेना, NS की पेजन सीट पर मत बैठना कभी लॉन्ग राइड पर, जो हालत ख़राब हुई है मेरी। बहुत गंदा वाला बैक पेन, अभी 2 घंटे जाके रेस्ट किया है, उसके बाद बैक पेन सही हुआ है। अब राइडिंग सीट पर बैठ के अलग ही फील आ रहा है, सुकून। मैं तो ये इसका ये चीज़ होता है कैमरे को कनेक्ट करने के लिए, ये होता है फ़ोन पर चल जाता है कैमरे के लिए, ये अडेप्टर चाहिए था इसका। यूजली जब मैं अमेजोन से माइक मंगाता हूँ तो 300 के आसपास आता है, अंकल ने 550 रुपये बोले, बट लास्ट में फिर 500 में दे दिया। चलो कोई नहीं, मिल गया है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि इसके बिना मेरा ब्लॉग इस पर लगा था और होपफुली सही काम कर रहा। वैसे मैंने टेस्ट कर लिया 2-3 बार। तो अभी जा रहे हम शेड्स लेने के लिए, देखते हैं कि अगर कोई शेड्स पसंद आता है। मैं बहुत दिनों शेड्स ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहे थे, बोले शेड्स लिए हैं। मैं इस टाइप के कब से ढूंढ रहा था, मैंने लेंस कार्ड में ट्राई किए पर वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो यहाँ पे जाके मेरे को मिले हैं। हेलमेट के साथ में नहीं पहन पाऊँगा क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं। तो दर्शकों, बज चुकी हैं 11 और यहाँ से लोकल के सारे काम निपटाने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपने मंजिल की तरफ। होपफुली हमें यहाँ से 2.5 से 3 घंटे लगने वाले श्रीनगर तक, और श्रीनगर में हमारा होगा नेक्स्ट हॉल्ट। अभी धूप तो फिलहाल तेज है, जो मैंने कल वेदर फोरकास्ट देखा था केदारनाथ का तो वहाँ पे थंडरस्टॉर्म था। अब डोंट नो कि ऊपर क्या हाल है पहाड़ों के। जो मेरा आज का नाइट स्टे होने वाला है वो होने वाला है सोनप्रयाग में, और संजू का बता था कि 210 किलोमीटर है यहाँ से, तो 210 किलोमीटर ही राइड ओनली, यही रीजन है कि हम आराम से निकल रहे हैं। इस रूट पे फिलहाल ट्रैफिक है, अभी थोड़ी देर बाद होपफुली आगे डबल लेन आ जाएंगी तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे राफ्टिंग वाफ्टिंग की गाड़ियाँ चलती रहती हैं, इसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, जो सारे राफ्ट कैरी करके लेके जा रही हैं, फिर ज़्यादा आगे तक जाती नहीं है, फिर ट्रैफिक हमारे साथ आगे नहीं जाने वाला है। पानी कितना गंदा हो रखा, मटमैला सा हो रखा नीचे। इस रूट पे ना जगह जगह में लैंडस्लाइडिंग हो रखी है और रोड पे ना गड्ढे भी हैं, तो यहाँ पे जैसे स्पीड पकड़ो तो उसके आगे स्पीड स्लो करनी पड़ रही है, और शार्प टर्न भी है
आगे से गाड़ियाँ जा रही है टर्न पे। तो अगर आप लोग इस रोड पर राइड कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो बड़ी सेफली राइड करें, खासकर अगर आपको पहाड़ों का एक्सपीरियंस नहीं है। देखो तो हर जगह पर लैंडस्लाइडिंग हो रखी है और ऐसी गाड़ियाँ आ रही है टर्न टर्न पे, दिख नहीं रही है, अचानक से आ जा रही है। तो श्रीनगर है यहाँ से 69, गौरीकुंडा 179। देखो आज और कल वीकेंड है ना, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। मोस्ट प्रोबेबली ये सारे लोग इसी रूट पर जा रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ यहाँ है, केदारनाथ यहाँ है, चोपता यहाँ है, तुंगनाथ यहाँ है, जोशीमठ यहाँ है। तो वीकेंड पे इस रोड पर ट्रैफिक मिलता है। ये हाल है रोड के, पीछे पूरी खाई। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम देव प्रयाग, यहाँ पे संगम होता है अलकनंदा भागीरथी का। जो मटमैला सा पानी आ रहा है ये है अलकनंदा, और सामने आपको हल्के हल्के पहाड़ों के बीच में नदी दिख रही होगी, वो थोड़ा साफ सी है, तो वो है भागीरथी। कहते हैं इनमें से एक सास है, एक बहू है, थिंक ये वाली बहू है भागीरथी और सास है, क्योंकि ये आवाज करते हुए आती है की, तो सास हल्ला करते आती है, बहू शांत रहती है की। अब देखो हल्के हल्की पानी की आवाजें सुनाई दे रही होंगी अगर यहाँ तक, क्योंकि मेरे कानों पे तारी डोंट नो कैमरा कितना रिकॉर्ड कर पा रहा है। केदारनाथ गाइस यहाँ से 157 किलोमीटर, तो ये रोड जाती है आगे टिहरी की तरफ, जो कि मेरा घर का रूट है। जैसा आपको नीचे दिख रहा होगा ये वाला पानी साफ है, और पीछे जो अलकनंदा का पानी आ रहा था उसमें काफी मिट्टी थी। इसके बाद थोड़े आसार हैं कि हमें खुली रोड मिलेगी और हम थोड़ा स्पीड अप कर पाएंगे। तो ये रूट जा रहा आपको सीधा न्यू टिहरी की तरफ, अगर आप कुछ सिद्धपीठ माँ चंद्रबंदी के दर्शन करने तब यहाँ से जा सकते हो। यहाँ से लगभग 33 किलोमीटर बाई रोड है और 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। तो यहाँ पे रुके हैं गाइस हम लंच करने के लिए, टाइम हो रहा है 1:32। श्रीनगर कितना यहाँ से 15:16। तो हमने ऑर्डर किया गाइस राजमा चावल एंड मिक्स वेज, कैसा रहा? बढ़िया, जल्दी से निपटाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। संजू भाई कर रहा है रूम की बुकिंग, क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, 6:30-7:30 तक बच सकती है। संजू भाई के चाचा जी वहाँ पर डॉक्टर हैं केदारनाथ में, तो उन्होंने रेफरेंस दिया है। तो रूम की टेंशन तो निपट चुकी है, अब हम लेट भी पहुँचे तो कोई इशू नहीं है। रूम हो चुका है अपना बुक 1200 रुपये में। रूम की कंडीशन देखनी होगी, रूम की कंडीशन कैसी है। पहुँच चुके हैं गाइस हम श्रीनगर, ये है श्रीनगर की मार्केट। नीचे चले, ये तो नहीं है डेफिनेटली, यहाँ पे गोला मार्केट है जो काफी फेमस है, बीच सेंटर में गोल चौक है और उसके चारों तरफ मार्केट है। तो मुझे करवानी है रिफ्यूलिंग, 2 घंटे बचे हुए, वैसे चल तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से वहाँ तक के लिए, बट मुझे कल वापस भी आना है, आके पता नहीं पेट्रोल पंप मिले ना मिले, खराब हो रही तो किस्मत खराब, क्योंकि पेट्रोल पंप खराब। तो मेरे सामने है गाइस धारी देवी मंदिर, ये बना है अलकनंदा नदी पे। अब इससे सुपरस्टिशियस कहो या फिर कोइंसिडेंस है, 2013 में जो आपदा आई थी 16 जून को, उससे रिलेट करते हैं कई लोग इस धारी देवी मंदिर के जो ये कंस्ट्रक्शन हुआ है नया वाला, कि पहले ये मंदिर यहाँ पे नहीं था, पहले ये पत्थरों के ऊपर था, इसको 20 मीटर ऊपर उठाया गया 16 जून 2013 को। उसके बाद से कहते हैं कि शाम के टाइम पे जब ये कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसको जब मंदिर में जो भी छेड़छाड़ या जो भी उसको ऊपर उठाया गया है, उसके बाद रात को केदारनाथ में सेम डे में आपदा आई है। डोंट नो कि ये अब कोइंसिडेंस है या लोगों के सुपरस्टिशन है, बट जो भी है लोग रिलेट करते हैं इससे। और हाँ एक और चीज, कि जहाँ पे भी माँ धारी देवी निवास करती है उसके ऊपर छत नहीं होती है, तो अगर आप देखोगे अगर कभी विजिट करोगे तो जहाँ पे भी ये मूर्ति रखी गई है उसके ऊपर छत नहीं है। पहले भी जो पत्थर के ऊपर जब ये पुराना स्ट्रक्चर था वहाँ पे भी उसके ऊपर एक जाली सा कुछ लगा रखा था, तो ऊपर खुला आसमान रहता है बेसिकली। तो इसी रीजन से लोग घर पे धारी देवी की मूर्ति नहीं रखते हैं, या उन्हें मना किया जाता है किसी घर पे मूर्ति या फोटो वगैरह कुछ नहीं रखना है, और वहाँ पे अंदर फोटोग्राफी भी प्रोहिबिटेड है। तो वैसे यहाँ पे मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ संजू भाई को, क्योंकि संजू भाई आगे निकल चुका है, बट मेरा कंफ्यूजन ये है कि एक रोड यहाँ से ऊपर जाती है जो जाती है रुद्रप्रयाग मार्केट होते हुए, और दूसरी रोड ये नीचे जा रही है जो हमें लेके जाएगी सीधा केदारनाथ अगस्त मुनि होते हुए। तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि संजू भाई ऊपर वाली रोड पे ना निकल गया हो, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। तो मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ, संजू भाई फोन पिक नहीं कर रहा है, होपफुली संजू भाई भी इस नीचे वाले रूट से गया हो जो कि सही रूट है। तो यही सोचते हुए मैं फिर आगे बढ़ता चलती हूँ। तो अगले 15 से 20 मिनटों में संजू भाई को मैंने कैचअप कर लिया, उसके बाद हम आगे निकल पड़े। और सरप्राइजिंगली जो मार्केट दिख रही है इस पे भी रुद्रप्रयाग लिखा हुआ था, डोंट नो कि ऊपर कौन सी मार्केट है नीचे कौन सी मार्केट है, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। और उसके थोड़ा ही आगे चलने पे हमें दिखी अगस्त मुनि की मार्केट, जो कि
काफी खूबसूरत सी मार्केट थी पहाड़ों के बीच में बसी हुई। तो आधे घंटा और राइड करने के बाद हमें लगा कि हमें एक टी ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि आप पहाड़ों पे हो, आप पहाड़ी हो और आप चाय ना पियो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम रुके इलांस भोजनालय में और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया चाय और संजू भाई का फेवरेट पार्ले जी, जी माने जीनियस, और कुछ नमकीन। तो जल्दी से इसे खा के हम निकलते हैं आगे। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें दिखी एक खतरनाक सी रोड जिसके ठीक नीचे है लेक, और अगर यहाँ पे आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई तो आप सीधा नजर आओगे पानी में। तो थोड़ा आगे चलते ही एज एक्सपेक्टेड जाम मिलना स्टार्ट हो गया, बट टू व्हीलर का भरपूर फायदा उठाते हुए हमने गाड़ियों के बीच से गाड़ी निकाल ली और हम बढ़ते गए अपने मंजिल की ओर। तो खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके हैं गाइस गुप्त काशी में। यहाँ से केदारनाथ है 47 किलोमीटर और गौरीकुंड है 33 किलोमीटर। गुप्त काशी फेमस है भगवान विश्वनाथ के मंदिर के लिए, जो कि भगवान शिवा को डेडिकेटेड है। इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है पांडवों और भगवान शिव के बीच में। तो यहाँ पे बारिश की बूंदों का कहर थोड़ा तेज होता हुआ, तो हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे बरसाती रेनकोट, कोई सस्ता सा काम चलाऊ रेनकोट अगर मिल जाए तो। यहाँ पे तो हमें नहीं मिला। तो आगे बढ़ते हुए रास्ते में पड़ती हुई 3-4 दुकानों में पूछने के बाद यहाँ पे हमें ये रेन कवर करने के लिए पॉली मिल गई, जिसका प्राइस था 30 रुपीज। थैंक्स टू दिस अंकल जिन्होंने हमें प्रोवाइड करवा दी, क्योंकि यहाँ पे कहीं मिल नहीं रहा था। ऊपर तक जाते जाते हम भीग जाते, सोनप्रयाग गुप्त काशी सोनप्रयाग तक ही जाते जाते हम काफी भीग जाते क्योंकि बारिश का कहर तेज हो रहा था। लोअर बॉडी हाफ अभी भी भीग रहा है। पजामे की टेंशन तो नहीं है, पजामा तो है मेरे पे, स्पेयर है तो चेंज कर लेंगे। सबसे मेन है वो शूज की है, शूज नहीं भीगने चाहिए क्योंकि अगर ये भीगे तो सूखेंगे भी नहीं। इसको अच्छी खासी धूप चाहिए सूखने के लिए और यहाँ पे कुछ आसार नहीं है धूप के कल सुबह भी। और मेरे पे वन एंड ओनली पेयर शूज है ये जो मैं अभी इस ट्रिप पे लेके आया हूँ। तो यहाँ से लगभग अभी भी हमें 40 मिनट से 1 घंटा लगने वाला है सोनप्रयाग तक। यहाँ से बाइक पे जाएंगे, फिर वहाँ पे पार्क करके आगे हमें ट्रैकर करना पड़ेगा। बिजली भी चमक रही भाई, मैंने बताया था ना सुबह थंडर स्टॉर्म यही है बस। अभी देखो ऐसा ना हो रात में बर्फ पड़ जाए ऊपर, शायद हमें कल वहाँ पे बर्फ देखने को मिल जाए। जाम तगड़े लग रहा है, बाइकर्स भी रुके हुए हैं। तो आगे सारी बड़ी बड़ी बस, उसको जगह नहीं है जाने को, अब जाके खुला जाम। चलो फिर चले। कितना जाम लगा पड़ा है भाई। वो एक भाई जा रहा है उसकी शॉप है ऊपर में, वो कह रहा है वो पूरा केदारनाथ का ट्रैक 2 घंटे में चढ़ता है और फिर रात को चढ़ेगा। तो एक बार के लिए हमने सोचा कि हम भी रात को चढ़ जाएंगे, क्योंकि रात को ठंडी हवा रहेगी, धूप तो है नहीं ऑब्वियसली, तो चढ़ना इजी होगा। बट नींद से हालत खराब हो रखी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमने कैंसिल किया है और होटल की फिर बुकिंग करवा रखी है यहाँ पे, तो फिर हमने फिर छोड़ ही दिया। तो मैं लीड करता हुआ बाइकर्स की आर्मी को, सबसे आगे मैं हूँ, सारे बाइकर्स पीछे हैं मेरे से। तो पूरा अंधेरा है यहाँ पे, डोंट नो हम गलत रास्ते पे तो नहीं है, कहीं लोग निकल गए हो सही रास्ते पे। ओहो झरना, रोड के बीच में झरना गिर रहा है, डे टाइम पे कितना सही लगे है। परसों शूट करेंगे इसे भाई। कहाँ रह गया हमारा सोनप्रयाग, ये बाइकर्स क्यों रुके हुए। अच्छा डिसाइड कर रहे हैं कहाँ रहना आज, यही रहे या आगे जाए। मुझे लगता है संजू मेरा अलावा कोई जा रहा आगे, अब तो मुझे कोई आते भी नहीं दिख रहा आगे। ये है रास्ता ऊपर से और ये है सामने पार्किंग। तो फाइनली राइड यहीं पे खत्म हुई, तो यहाँ पे गाड़ी करनी है पार्क, उसके बाद यहाँ से चलेंगे ट्रैकर। पार्किंग का हर 12 घंटे में 50 रुपए बाइक का, तो हम 2 बाइक हैं तो 100 रुपए पर 12 बार, उस पर जो हमें 300 तो देने ही पड़ेंगे, शायद 300 या 400 देने पड़ेंगे। तो ये गाइस सोनप्रयाग का मार्केट, यहाँ से अभी हम गाड़ी ढूंढ रहे हैं गौरीकुंड के लिए, आगे हमें ट्रैकर मिलने वाले हैं। इस मार्केट में मुझे दुकानें कम दिखाई दे रही हैं और ये होटल लॉज काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, मेनली सारे रूम्स ही हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट वगैरह है, ढाबा है और लॉज वगैरह है रुकने के लिए। 7:50 ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं और 15 से 20 मिनट और लगेंगे हमें गौरीकुंड पहुँचने में। फाइनली गाइस गौरीकुंड पहुँच चुके हैं, टाइम हो रहा है 8:25। अब यहाँ से
फिर से पैदल ट्रैक है थोड़े ऊपर तक। अब हमारी मंजिल है राजा गेस्ट हाउस। नीचे पे भी पार्किंग में जब बाइक खड़ी करी तो काफी चलना पड़ा टैक्सी पकड़ने के लिए। अब यहाँ पे भी टैक्सी स्टैंड से ऊपर काफी पैदल है। मेरे आगे संजू भाई, इनको फॉलो करता हुआ मैं दूर दूर तक मुझे तो गेस्ट हाउस लॉज दिख नहीं रहा है। जिनसे पूछो कि कहाँ गेस्ट हाउस, कह रहे ऊपर की तरफ है। नो कितना और चलना पड़ेगा, बॉडी में एनर्जी नहीं बिल्कुल भी। तो एक गली है गौरी कुंड की, यहाँ पे आपको सारे रेस्टोरेंट ढाबे सारे शॉप्स और गेस्ट हाउस वगैरह सब यहीं मिलेंगे। राजा गेस्ट हाउस की तरह होगा ऊपर क्या लिखा हुआ, राजा गेस्ट हाउस। तो ये आज का बसेरा, ये था उनका डबल बेड, अंदर वॉशरूम। तो यहाँ पे गौरी मंदिर है, ये रास्ता है तब तक उन्हें जाने का। आपका अगर ये धुआं धुआं से दिख रहा है, भाप से दिख रहा है, इसके नीचे गर्म पानी का कुंड है, तब तो कुंड है। तो अभी तो कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, देखते हैं कल अगर कुछ प्लान बना तो कल नहा के आएंगे। तो टाइम हो रहा है 9:36 और डिनर हो चुका है डन। डिनर के लिए हम नीचे आए थे, ये जो अपनी प्यारी सी गली है इस गली में आए थे, क्योंकि जो गेस्ट हाउस का मेन्यू था उस पर बहुत लिमिटेड आइटम्स थी जो मन नहीं था खाने का। तो यहाँ पे संजू भाई जाते हुए देख के गया था, प्राइस जगह के हिसाब से डिसेंट प्राइस था, इतना हाई प्राइस नहीं था, सही था। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं, एक राउंड मार के आते हैं अपनी गली में। तो यह पूरे ढाबे ढाबे हैं और अभी तो 9:30 अभी तक तो खुला है, तो मुझे जितना लग रहा है कि 11 बजे तक तो एटलीस्ट खुलेंगे, क्योंकि अभी तो लोग घूम ही रहे हैं। फिलहाल ठंडा काफ़ी है, लिटरली बहुत ठंडा, क्योंकि एक तो बारिश भी हो गई है, 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, अभी आज ही बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से ठंडा काफ़ी होने लग गया है। कल सुबह ट्रैक करना हमें ऊपर केदारनाथ का, होपफुली कल मॉर्निंग में बारिश ना हो। पहले हो चुकी हो तो कोई दिक्कत नहीं, धूप भी नीचे है बारिश भी नीचे है, क्योंकि नीचे आपको पूरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी नदी की। तो आ चुके हैं गाइस हम बैक टू रूम, और नींद बड़ी ही तगड़ी आ रही है, आंखें देख सकते हो नींद से भरी हैं गंदी वाली, और बाहर बारिश हो रही है। और कुछ लोग ना अभी भी वहाँ पे जो टीन शेड लगे हुए हैं रास्तों पे, उनको रूम नहीं मिले इतने सारे के गेस्ट हाउस होने के बाद, लॉज होने के बाद उन्हें रूम नहीं मिले हैं। तो लगाओ कितनी भीड़ है यहाँ पे, ऊपर कितनी भीड़ होगी, क्योंकि यहाँ से केदारनाथ का 16 किलोमीटर का ट्रैक है, और हर जगह बीच बीच में कैंप्स लगे हुए हैं, तो कुछ लोग उन कैंप्स में होंगे, कुछ यहाँ है, कुछ ऑलरेडी केदारनाथ में होंगे। तो कितनी भीड़ है आजकल केदारनाथ में, अब इससे आइडिया लगा सकते हो। मुझे तो उनका हो रहा, वो सोएंगे कैसे भाई साहब, इतनी ठंड हो रही बाहर। अब बस भोले बाबा का सहारा है, वो तो अच्छा हुआ कि थैंक्स टू चाचा जी जिन्होंने प्री बुकिंग करवा दी हमारे लिए, वरना तो तू और मैं भी बाहर पे दिखते हैं। चलिए फिर इस ब्लॉग में एंड करते हैं। किसी भी रीजन के आपको अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन, अगर हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब सिंगल टिकट। मिलते हैं कल केदारनाथ वाले ब्लॉग में, तो कल सुबह यहाँ से केदारनाथ की ट्रैकिंग करेंगे। तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, बम बम भोले।